दिनांक 12 अक्टूबर, समय 9:05, लंगर को गेट दिया जाता है। दिनांक 13 अक्टूबर, रात्रि सुबह 5:30 पर फिर से लंगर को उठा लिया जाता है और सिप निकलता है एक बहुत ही खूबसूरत चैनल की तरफ। और सामने ये ब्रिज आने वाला है, इस ब्रिज के नीचे से अपना सिप क्रॉस होने वाला है। बादलों की घटाएं, हवाओं की सनसनाहट के बीच से होकर गुजरने वाला है अपना जहाज एक सपनों के शहर से। 2000 साल पुरानी इमारतें दिखती हैं समुद्री सफर से गुजरते हुए, और दिखता है यहां से पूरा का पूरा ये सपनों का शहर। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, आंखों को खुद पर यकीन ही नहीं होता ये कोई सपना है या हकीकत। वाह वाह, अब भाई देखो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया अपना सिप, इसको क्रॉस कर चुका है ब्रिज को। तो भाई दिनांक 13 अक्टूबर, समय प्रातःकाल 5:30, लंगर को उठा लिया गया है और सिप निकल चुका है इस चैनल की ओर। काफी जबरदस्त ये पूरी वीडियो रहने वाली है, अगले 15 से 20 मिनट आप रहने वाले हो मेरे साथ। बगैर स्किप करे पूरी वीडियो को देखें, 100% आपको फुल एंजॉय इस वीडियो में आने वाला है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तदैत जय, अर्थात कौवे जैसी चेष्टा होनी जीवन में अनिवार्य है, और बगुली जैसा ध्यान जीवन में है तो आप सफल हैं, और कुत्ते जैसी निंद्रा होनी आवश्यक है। जो इन तीनों नियमों को अपने जीवन में निर्धारित करता है वह सदैव के लिए कामयाबी की बुलंदियों को छूता है। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल एवरीथिंग हेयर में। तो आप सभी का दोस्त मैं बंटी प्रताप लेकर प्रस्तुत हूं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन और जबरदस्त वीडियो। तो वीडियो को बगैर स्किप करे कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें और पूरा लुप्त लें इस चैनल का। आगे चलकर आप लोगों को पता चलेगा इस चैनल का नाम क्या है, कौन सी कंट्री में आखिर ये चैनल पड़ता है। एक खूबसूरत मौसम, एक बेहतरीन सफर, एक अद्भुत मंजर, बस तय करते हैं ऐसा सफर कुछ ही सिकंदर। इतिहास में कुस्तुनतुनिया को इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, देश का सबसे बड़ा शहर और उसकी सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है। और दोस्तों एक नजर डालेंगे इस्तांबुल के इतिहास पर। इस्तांबुल यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां भी दो पहाड़ियों के बीच से होकर समुद्र गुजरता है, और उस समुद्र के रास्ते से जब सिप क्रॉस करते हैं तो उसको चैनल कहकर पुकारा जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो भाई सुबह की प्यार भरी राम राम। तो भाई आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहत से फिट होंगे। तो भाई अपना सिप जो है इस टाइम क्रॉस कर रहा है इस्तांबुल चैनल को, और काफ़ी खूबसूरत ये चैनल है। जैसा कि आप देखेंगे तो सामने पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, ये उल्टे हाथ की साइड में है और ये सीधे हाथ की साइड में है, और बहुत ही छोटे से एक छोटा सा मतलब नदी टाइप में समुद्र निकला हुआ है यहाँ से, जो काफ़ी खूबसूरत व्यू बनाता है जब यहाँ से आप बाई सिप या बाई बोट गुजरते हो। तो बाकी आप देख रहे होंगे पूरी की पूरी सिटी यहाँ से नज़र आती है यार, आप देख रहे होंगे लंबी लंबी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, और सामने ये ब्रिज आने वाला है, इस ब्रिज के नीचे से अपना सिप क्रॉस होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू बनने वाला है। वीडियो पर बने रहें कंटिन्यू। और बाकी भाई मॉर्निंग के 7:15 हो चुके हैं, सूर्यदेव तो खैर अभी
नहीं निकले हैं और ऊपर से क्लाउड बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो सूर्यदेव निकलने वाले भी नहीं हैं। तो भाई एक ज़बरदस्त व्यू बना हुआ है, बाकी बहुत खूबसूरत ये चैनल है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं दोस्तों। तो भाई वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाली है। और जो पहली बार जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ भाई, वो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और घंटी वाला बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे पहुँचेगा आप लोगों के पास एक मेरी वीडियो का प्यारा सा नोटिफिकेशन दोस्तों। तो बाकी लीजिए मज़े वीडियो के दोस्तों, तो बने रहें कंटिन्यू वीडियो पर दोस्तों। शहर को 2010 के लिए पैकस हैंग्री और आसान जर्मनी के साथ यूरोप की सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। इतिहास में शहर ने निवासियों की संस्कृति, भाषा और धर्म के आधार पर कई नाम बदले, जिनमें से वाजंटियम, कश्निया और इस्तांबुल भी जाने जाते हैं। शहर को सात पहाड़ियों का शहर कहा जाता है, क्योंकि शहर का सबसे प्राचीन क्षेत्र सात पहाड़ियों पर बना हुआ है, जहां पर हर पहाड़ी की चोटी पर एक मस्जिद स्थापित है। इस्तांबुल अवनाइये वास्तुरस दक्षिण क्षेत्र में दोनों ओर स्थित है। इस तरह वह दो महाद्वीपों में स्थित दुनिया का एकमात्र शहर है। शहर का पश्चिमी हिस्सा यूरोप जबकि पूर्वी भाग एशिया में है। शहरी सीमा का 1539 वर्ग किलोमीटर तक है, जबकि इस्तांबुल 5220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों ये येलो फ्लैग होता है, ये प्रतीक होता है शिप पर जो भी क्रू है वो स्वस्थ है, हेल्दी है। बेहतरीन और ज़बरदस्त एक नज़ारा मेरे द्वारा प्रस्तुत है आप सभी के समीप। तो एक बेहतरीन ज़बरदस्त व्यू निकल कर आता है जब जहाज इस ब्रिज को क्रॉस कर आगे की तरफ निकलता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे भाई, इस ब्रिज को अपने शिप ने भाई क्रॉस कर दिया है, और बाकी इधर की तरफ यार एक किला बना हुआ है जो काफ़ी खूबसूरत, और टूरिस्ट लोग काफ़ी घूमने के लिए आते हैं इस किले में। काफ़ी पुराना एक किला है दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाने वाला हूँ। ये जो सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं इस्तांबुल का रोमेली किला। ये इस्तांबुल का सबसे प्राचीन किला है, जिसको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर एकत्रित होते हैं। यिल्दिरिम वेजिद अनादोलू हिसारी का निर्माण करके फॉस्फोरस से संक्रमण का नियंत्रण ले लिया। दूसरी ओर इस्तांबुल पर विजय की तैयारी के दौरान फतेह सुल्तान मेमेट सबसे पहले अनादोलू हिसारी को दीवारों से घेर कर मजबूत किया। इसके बाद वह इसके विपरीत एक दूसरे किले का निर्माण करके फॉस्फोरस से संक्रमण का पूरा नियंत्रण लेना चाहता था, इसलिए रुमेली हिसारी का निर्माण किया गया।
दस्तावेजों के अनुसार किला जिसकी मूल योजना फतेह सुल्तान मेहमद ने तैयार की थी, किले के निर्माण के दौरान 1000 शिल्पकारों और 2000 से अधिक श्रमिकों ने रात दिन काम किया और यह 4 महीने के भीतर पूरा हो गया। प्राचीर पर 3 मीनारे फतेह के वजीरों द्वारा बनाई गई थी, हलील पासा, जागानोस पासा और सरुका पासा। हर आज गुजर जाता है कल के इंतजार में, न जाने कितने छूट गए कुछ पाने की चाहत में। सिप जब इस चैनल को क्रॉस करता है तो काफी टूरिस्ट बोट सिप के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, जो एक मनमोहक व्यू को उत्पन्न करती हैं, एक अद्भुत दृश्य को उत्पन्न करती हैं और काफ़ी कौवे यहाँ पर घूमते रहते हैं और बाकी यहाँ का आसपास का सारा व्यू एक मनमोहित दृश्य को उत्पन्न करता है, मन को शीतलता प्रदान कर देने वाला दृश्य को उत्पन्न करता है, जो काफ़ी अद्भुत होता है, अद्भुत होता है, अद्भुत होता है। और भाई दोस्तों, सामने जो है ना, आप जो देख रहे हैं सामने जिधर की तरफ मैं इशारा करके आप लोगों को बता रहा हूँ, तो भाई ये सामने यहाँ पर मेन पॉइंट है। यहाँ पर काफ़ी लोग आकर खड़े होते हैं, जो सिर्फ यहाँ से गुजरते हैं उनकी वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, रील बनाते हैं और भाई यूट्यूब के लिए भी काफ़ी वीडियो यहाँ पर यूट्यूबर आकर बनाते हैं। तो ये फेमस पॉइंट है, पॉइंट का तो मेरे को नहीं पता, पर यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े होते हैं। अभी तो भाई बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग का अर्ली का टाइम है, तो अभी तो 7:30-8 का टाइम हुआ है, तो लोग बाग इतने ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर कम से कम 50-60 लोग इस टाइम भी खड़े हुए हैं जो वीडियो बना रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं जूम करके आप लोगों को दिखाऊंगा तो बहुत ही आसानी से आप देख पाएंगे। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त एक सुंदर व्यू बनता है यहाँ पर, काफ़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उधर की तरफ एक फ्लैग लगा हुआ है तुर्की का और बाकी ये लास्ट ब्रिज है। इस ब्रिज के बाद ये बस थोड़ा सा बचेगा ये चैनल और फिर ओपन सी स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को जूम करके। समुद्री सफर में जब कुछ खास ऐसे सफर आते हैं तो आपका भी मन अवश्य करता होगा, काश हम भी मर्चेंट नेवी में जॉब करते। तो मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना कोई इतना कठिन कार्य नहीं है, इतना कठिन काम नहीं है। अगर आप भी मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने 10th की हुई है तो आप DG अप्रूव जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं मर्चेंट नेवी के, वहाँ से GP रेटिंग के कोर्स कर सकते हैं जो 6 महीने के होते हैं। 6 महीने के कोर्स करने के बाद आप बहुत ही आसानी से, कुछ पैसे खर्च होंगे आपके, फिर उसके बाद आप सिप को ज्वाइन कर सकते हो। GP रेटिंग कोर्स के बाद आपकी रैंक तो छोटी रहेगी पर मंथली आप काफ़ी पैसे कमा सकते हो। 30,000 रुपये से स्टार्टिंग होगी और आप जिसको 2-2.5 लाख रुपए तक पहुंचा सकते हो। आप AV से बोसम तक की सेलिंग GP रेटिंग कोर्स करने के बाद बहुत ही आसानी से कर सकते हो। किंतु अगर आपने 12th की हुई है साइंस साइड से 60% आपके नंबर हैं टोटल सब्जेक्ट में, तो आप DNS के कोर्स करें ऑफिसर रैंक के लिए।
ऑफिसर रैंक में सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है और आप कैडेट से स्टार्ट करोगे और उसके बाद आप थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर और उसके बाद लास्ट में होता है कैप्टन। और कैप्टन की सैलरी होती है $10,000 से $15,000। एक मर्चेंट नेवी की जॉब ऐसी होती है दोस्तों, जिसमें आप जॉब की जॉब करते हो, पैसे के पैसे कमाते हो और बाकी आप निकले होते हो बल टूर पर और फ्री में देखते हो पूरा का पूरा संसार। अद्भुत अद्भुत दृश्य आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिस दृश्य की कल्पना आपने कभी की ही नहीं, ऐसे दृश्य भी आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। भाई दोस्तों, इस टाइम मैं आ चुका हूँ बिल्कुल आफ्ट के पिछले वाले हिस्से पर शिप के। तो भाई कुछ ऐसा व्यू नज़र आता है, पीछे प्रॉपलर लगा होता है जो पानी को भाई काट कर शिप को आगे की तरफ धकेलता है। और बाकी भाई नीचे से आकर देखते हैं तो कुछ ऐसा व्यू नज़र आता है भाई। और भाई ये ब्रिज आने वाला है, बाकी मैंने पिछला ब्रिज जो आप लोगों को दिखाया था वो मंकी आइलैंड से ऊपर से दिखाया था, ये मैं पीछे से दिखाने वाला हूँ। आखिर जब क्रॉस होता है शिप तो कैसा दिखाई देता है ब्रिज, तो आप देख रहे होंगे सामने ये ब्रिज है दोस्तों। और थोड़ा सा मैं दूसरी साइड से भी दिखाता हूँ आपको। तो भाई इधर की तरफ से कुछ ऐसा सीन नज़र आता है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो भाई अपना शिप जो है एंट्री कर चुका है इस ब्रिज के नीचे और बाकी इसको क्रॉस करने वाला है। तो भाई कुछ ऐसा नज़ारा होता है भाई, आप देख रहे होंगे ना भाई इस तरीके से क्रॉस करता है शिप भाई ब्रिज को, तो काफ़ी यार ज़बरदस्त व्यू निकल कर आता है जब इस को क्रॉस करता है ना शिप, तो एक अलग ही यार। और नीचे की तरफ से यार पेंट किया जा रहा है दोबारा से, तो ये देख रहे होंगे आप इधर की तरफ पेंट हो चुका है, इधर की तरफ ये पुराना ही है अभी। तो भाई वाह, आप भाई देखो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया अपना शिप, इसको क्रॉस कर चुका है ब्रिज को। तो भाई बहुत ही शानदार व्यू बनता है यार जब यहाँ से शिप गुजरता है। तो भाई इस चैनल में जो है ना तीन ब्रिज हैं जिनको शिप क्रॉस कर इस चैनल को जाता है और एक काफ़ी ज़बरदस्त व्यू बनता है। और पीछे की तरफ एक टावर भी है, ये फेमस टावर है भाई यहाँ का। और भाई पास में बिल्कुल एकदम मकान बिल्डिंगें बनी हुई हैं जो काफ़ी ज़बरदस्त व्यू नज़र आता है यहाँ से। कारागरी का एक बेहतरीन हुनर मानव द्वारा यहाँ पर इस चैनल में बने ब्रिजों पर प्रदर्शित किया गया है जब यहाँ से शिप गुजरता है और इन ब्रिज के ऊपर से ट्रैफिक गुजरता है तो एक मनमोहक दृश्य उत्पन्न होता है और काफ़ी टूरिस्ट इस चैनल में बोट के माध्यम से इस पूरे शहर को और इस चैनल में बने तीन ब्रिजों को देखने के लिए काफ़ी मात्रा में यहाँ एकत्रित होते हैं। जब से निकला हूँ देश भ्रमण पर, देखकर अपनी आंखों से ऐसे मंजर को अपने आप के होने का एहसास हो गया। भरी नहीं अभी मन की जिज्ञासा मेरी, इन आंखों से मंजर अभी न जाने कितने हैं देखने बाकी। तो भाई दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो यार कमेंट कर जरूर बताना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो पहली बार जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ यानी मेरी इस वीडियो के साथ, तो भाई वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई कहानी एक नई स्टोरी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए भाई मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद, वंदे मातरम।